दोस्तों, अभी आपने बिरला नगर रेलवे स्टेशन का ये वीडियो देखा। अब आप इसी स्टेशन पर इसी समय का एक दूसरा वीडियो देखिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। दोनों ही ट्रेनें आगरा झांसी के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें हैं, जिन्हें रेलवे आजकल एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में चला रहा है। एक को आईसीआर ब्रेक के साथ चलाया जा रहा है और दूसरी को मेमू ट्रेन में बदल दिया गया है। रेलवे ने पिछले दिनों एक तुगलकी निर्णय लिया और मेमू ट्रेन का बिरला नगर पर स्टॉप समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति है कि दोनों ही ट्रेनें एक्सप्रेस के रूप में चल रही हैं, दोनों का डेस्टिनेशन और किराया बिल्कुल समान है, उसके बावजूद एक ट्रेन बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है और दूसरी को बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पर स्टॉप दिया गया है। अगर पहली का स्टॉप ख़त्म किया गया है तो उसका क्या कारण है, और दूसरी का स्टॉप बरकरार रखा गया है उसका क्या कारण है, ये हम लोगों की समझ से परे है। कुछ समय पहले तक जो लोग ग्वालियर के मुख्य रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ से बचकर बिरला नगर से आगरा या झांसी की यात्रा करना चाहते थे, उनके पास दो ऑप्शन थे, लेकिन अब शाम वाला ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है और सुबह वाला ऑप्शन ही उपलब्ध है। हो सकता है कुछ समय बाद सुबह वाला ऑप्शन भी यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं, दीनदयाल नगर, गोला का मंदिर, हजीरा क्षेत्र में रहने वाली करीब 5 लाख की आबादी को इस स्टेशन से बहुत लाभ प्राप्त होता था, लेकिन रेलवे ने एक अजीबोगरीब निर्णय लेते हुए इस स्टेशन से झांसी आगरा पैसेंजर ट्रेन का स्टॉप समाप्त कर दिया है। यह निर्णय इसलिए भी समझ से बाहर है कि आए दिन रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी बिरला नगर रेलवे स्टेशन को ग्वालियर का सैटेलाइट स्टेशन बनाने की घोषणाएं करते रहते हैं। उसके बाद भी इस तरह का कदम उठाया गया, किस कारण से उठाया गया, इसका खुलासा तो रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी ही कर सकते हैं, पर यह तुगलकी और बेहुदा निर्णय आम जनता की समझ से बिल्कुल ही बाहर है। ख़ास तौर से उस दौर में जब रेलवे अपनी सभी पैसेंजर ट्रेनों को मेमू ट्रेनों में बदलने जा रहा है, और जहां तक हमारी जानकारी है, जिस जगह भी मेमू ट्रेन चलती हैं उनका अपने रूट के सभी स्टेशनों पर ठहराव रहता है। अगर किसी कारण से सभी स्टेशनों पर ठहराव नहीं भी दिया गया हो तो बिरला नगर जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव क्यों बंद कर दिया गया, ये रेलवे प्रशासन को जवाब देना ही पड़ेगा। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में बदलने की जो मुहिम चलाई है, हम इसका खुलेआम विरोध करते हैं। हमारा सुझाव यह है कि इन पैसेंजर ट्रेनों को मेमू ट्रेनों में बदल दिया जाए और इनके सभी स्टॉप पहले की तरह बहाल किए जाएं। ऐसी स्थिति में ये ट्रेनें जनता के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकेंगी। एक्सप्रेस ट्रेनें बना के किराया बढ़ाने का तरीका निकालने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। पैसेंजर ट्रेनें ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आम जनता के लिए काफ़ी उपयोगी सेवा है। इनको बंद करने के बजाय इनको मेमू ट्रेन में बदलकर इनके स्टॉप्स को बहाल करके सेवा को जारी रखने में ही रेलवे का जन कल्याणकारी चेहरा सामने बना रहेगा। नहीं तो रेलवे भी आम व्यापारी की तरह लोगों की जेब से पैसा खींच कर अपना लाभ कमाने वाली मशीन बनकर रह जाएगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और भी वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।